नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां रजिस्ट्रार कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने दबिश दी है। लोकायुक्त पुलिस ने डीआर रत्नेश भदौरिया के स्टेनो को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया घूसखोर धीरेन्द्र सिंह तोमर बताया जाता है। यह भी जानकारी आ रही कि धीरेन्द्र सिंह तोमर रत्नेश भदौरिया का स्टेनो है, जो पूरे लेन देन का जिम्मा संभालता है, जिसे लोकायुक्त पुलिस ने रजिस्ट्रार कार्यालय ने धर दबोचा है। कार्यवाही रीवा लोकायुक्त पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है रजिस्ट्रार ऑफिस से, जहां स्टेनो धीरेन्द्र सिंह तोमर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त की पुलिस की टीम कार्यवाही कर रही है। भ्रष्टाचार का गढ़ बने रजिस्ट्रार कार्यालय में लंबे समय के बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही की है और रिश्वत खोर पकड़ा गया है। दिखा दीजिए एक मिनट भैया, रुकिए। क्या नाम भैया आपका? दीपक कुमार पांडे नाम है। ये आप शिकायत करते हैं, किस बात की रिश्वत मांगी गई थी आपसे? ये मैंने जून 2021 में स्लॉट बुक करवाया था और इसका मैं रजिस्ट्री तो हुआ ही नहीं, तो आवेदन किया था रिटेंशन के लिए, तो रिटेंशन हुआ नहीं। 8 महीने से परेशान कर रहे हैं। अब मैं जॉब वाला आदमी हूँ, जॉब में चला गया था। अभी मैं रिटर्न आया, एक हफ्ते पहले साहब से मिला था, और फिर कल भी मैं आया गया डीआर साहब से मिलने के लिए। डीआर साहब ने बोला कि जाके आप तोमर बाबू जी से मिलिए। तोमर बाबू जी के पास मैं गया तो भी उन्होंने बताया कि इतने पैसे लगेंगे, तो आपको एक हफ्ते में पैसे हम रिटर्न दे देंगे। 1,20,000 समथिंग अमाउंट है। दो स्लॉट है, मेरे मौसी जी के नाम पे है सकुंतला पांडे, और एक मेरी माता जी का नाम है सरोज पांडे। कितना पैसा मांगा गया था आपसे? 12,000 रुपये मांगा गया था। 12,000 इसमें कौन लोग कितना दिया अभी आपने? उसमें डीआर साहब, रजिस्ट्रार साहब थे, 6,000 रुपये उनका हिस्सा था, 4,000 रुपये उनके फोन का था, और 2,000 रुपये अन्य खर्चे मांगे गए थे जो कि मैंने लिखी थी। अभी आपने कितना दिया था उनको? अभी मैंने 12,000 रुपये उनको पूरा दिया काम के लिए। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। कहाँ रहने वाले हैं? मैं गुलाम नगर रीवा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ये तोमर बाबू का पूरा नाम क्या है मालूम है आपको? ये मेरे को नहीं पता। ठीक, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।